दिल्ली के द्वारका जिले की AATS पुलिस ने गला घोटू गैंग के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने चोरी की एक बाइक बरामद की है। पकड़े गए बदमाशों ने एक युवक का गला दबाकर उसके साथ मारपीट की थी और 1600 रुपए लेकर फरार हो गए थे। पूछताछ करने पर तीनों आरोपियों ने लूट में अपनी संलिप्तता होने की बात कही। तीनों आरोपी की पहचान धर्मेंद्र, जुबेर और आर्यन के रूप में हुई है। तीनों ही बिंदापुर इलाके के रहने वाले हैं। इनकी गिरफ्तारी से पुलिस ने 3 केस सुलझाने का वादा किया है। फिलहाल तीनों आरोपी दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में हैं और आगे की कार्यवाही जारी है। DCP शंकर चौधरी द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक बीते शनिवार की रात बिंदापुर इलाके में एक लूट हुई थी, जिसके बाद ACP विजय सिंह और इंस्पेक्टर कमलेश कुमार के नेतृत्व में SI विकास यादव, हेड कांस्टेबल विजय, जगत सिंह, सोनू और कांस्टेबल मनोज, इंदर, परविंदर, संदीप और सतेंद्र की टीम का गठन किया गया। टीम ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित से जानकारी जुटाई और आसपास के CCTV फुटेज इकट्ठा किए, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। इसी बीच सोमवार की रात को दूसरी लूट की वारदात की जानकारी AATS को मिली, जिसमें 3 लड़कों ने एक व्यक्ति से मारपीट कर मोबाइल लूट लिया। इसी दौरान हेड कांस्टेबल विजय को सूचना मिली कि गला घोटकर लूट करने वाला अपराधी बिंदापुर इलाके में मौजूद है और उसके पास चोरी की बाइक भी है। बिना देरी किए छापेमारी टीम बिंदापुर कॉलोनी पहुंची और बाइक पर घूम रहे तीनों युवकों को दबोच लिया।